इस समय हम कोलाबा विधानसभा सारे के सारे यहाँ पे राजस्थानी समुदाय के लोग बैठे हैं। जन्मभूमि से लगा करके कर्म भूमि तक अपना कर्तव्य और कर्तिक प्रतीक बने रहते हैं और सदैव जहाँ रहते हैं वो पूरा का पूरा अपना जो है एक इस तरह का वातावरण तैयार करते हैं कि एक एक राजस्थानी होता है वो एक एक राजस्थान को बताता है, यानी सभाव से मन वचन कर्म से यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन कई सालों से यहाँ पर बहुत सारी दुकानें, करीब करीब 300 परिवार यहाँ पर दुकानदार हैं, यहाँ पर यहाँ रहते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी नार्वेकर को एक चांस दिया है, तो सर आपको क्या लगता है ये बताइए। पहले आप अपना नाम बोल दें फिर बाद में बताया था, इसको छोड़ दे मेरा आपकी मैं पारस झवेरी कुलाबा। नार्वेकर साहब जो है 24.7 है, एक बार फोन करे आदमी हाजिर हो जाता है, भले रात हो या दिन हो, क्योंकि हमेशा इनके पूरा परिवार पहले से ही राजनीतिक में सक्रिय है। इसके लिए इतनी पब्लिक जमा हुई है, इतनी पब्लिक जमा करना बोले तो बहुत बड़ी बात है। काम बोलता है सर, क्या बोलता है? काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है। आप किस मार्केट से हैं? मैं फोर्ट मार्केट से हूँ और सभी नार्वेकर जी के साथ हैं और बड़ी संख्या में नार्वेकर जी जीत के आएंगे, क्योंकि लोगों से उनका काफ़ी लगाव है। और कभी भी आधी रात को काम के लिए कभी भी राहुल जी के पास जाओ तो एक ही 5 मिनट में उनका काम करते हैं, यानी परिवार की तरह रखते हैं। सर आप सोने चांदी का व्यापार करते हो, एक उसमें होता है 99% होता है, एक 98% होता है, राहुल जी को किस परसेंटेज में देखते हैं? 24 कैरेट गोल्ड है, कभी भी जाओ, आधी रात को भी जाएंगे तो अपना काम करेंगे, कभी ना नहीं बोलेंगे और काम भी ऑन द स्पॉट करते हैं, तो ऑफिसर को फोन लगाएंगे और अपना काम करा देंगे। ये सबसे बड़ी बात हुई कि काम करा देंगे। सर क्या युवा है आप भी? सर बहुत डायनामिक है, बहुत यंग है और हमारी पूरी पीढ़ी को इंस्पिरेशन देता है सर, ऐसे लीडर है। इंस्पायर इन्होंने कहा, बहुत बड़ी इंस्पायर देते हैं राहुल जी नार्वेकर, और मैं समझता हूँ उत्साह। हाँ मैं यहाँ आ जाता हूँ, आप कुछ बोलेंगे सर? भाई हमारे राहुल सर ने मार्केट के अंदर कुलाबा मार्केट में बहुत अच्छा काम किया है और सब उनको याद करते हैं और कभी भी आधी रात को हाजिर होते हैं सर। आधी रात को हाजिर होते हैं, ठीक समझ में आया, लेकिन आप तो बुजुर्ग है, युवा बुजुर्ग कह सकता हूँ, लेकिन क्या आज राहुल जी नार्वेकर को दूसरी बार टिकट अपने बीजेपी ने विश्वास जता के दिया, तो अब लगता है कि कोई और भी कोई दूसरा उसके उनके खिलाफ खड़ा होगा या उनके वक्त में हो, तो क्या लगता है आपको कितने मार्जिन से वोटों से जीतेंगे कि हारेंगे, क्या क्या होगा बताइए? 101% से जीतेंगे, 101% से जीतेंगे, इनका काम बोलता है कोलाबा में, काम बोलता है इनका सर कोलाबा में, कि आप यही बताइए क्या बोलता है। दिनेश जैन भारतीय जनता पार्टी साउथ मुंबई जनरल सेक्रेटरी। हमारे राहुल जी को दूसरी बार पार्टी ने मौका दिया है और उन्होंने 5 साल भी लोगों को इतने काम किए और पार्टी को साथ में लेके लोगों का काम किए और विपक्ष का भी उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि खाली पार्टी का ही काम किया, हर लोगों का और विपक्ष की पार्टी का भी काम किया है, तो उन्हें दूसरी बार मौका मिलना चाहिए और वो जीत के पक्का जीत के आएंगे, पक्का जीत के आएंगे। सर पिछली बार जीते तो उनको जो है विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, यानी महाराष्ट्र की असेंबली में युवा, इस बार लगता है क्या आपको कि अगर जीत गए तो मंत्री बनेंगे? पक्का बनेंगे, पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने पूछा कि कितने परसेंटेज इनको देना चाहिए, इनको 110% देना चाहिए और वो हमेशा इस बार भी जीत कर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल जी नार्वेकर को दूसरी बार जो है यहाँ पर पार्टी ने जो है एक विश्वास का भरोसा जताया है, क्या लगता है आपको? पूरा सपोर्ट है और अच्छे लोगों से जीत गया है और ये व्यापारियों के लिए सबके लिए बहुत अच्छे काम करने जा रहे हैं। राहुल जी नार्वेकर के लिए जो आप देख रहे हैं कितना झुंड खड़ा है, मेरे ख्याल से 5 लाख वोटों से राहुल जी नार्वेकर आगे निकलेंगे और जो सामने वाले हैं दूर चढ़ेंगे, राहुल जी नार्वेकर 100% आएंगे ही आएंगे। अच्छा, राजस्थानी समाज का यहाँ पर किस तरह से उनका सहयोग है और किस तरह से समर्थन है? गुलाबा में हमारा राहुल नार्वेकर ने जो काम किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है, जो उनके लिए हम सब साथ में खड़े हैं।
ये उनका काम बोलता है, इनका ये कहना है कि जिस तरह से जो काम हुआ है, जिस तरह से जो काम हुआ है वो काम बोलता है। आज इतनी जो आप पूरे देख रहे हो स्ट्रेंथ को लेकर के, इतने जो है महिलाएं, इतने पुरुष और राजस्थानी समाज भी जो है बढ़ चढ़ करके यहाँ पर देखिए, जो भीड़ दिख रही है, जो पब्लिक का उत्साह दिख रहा है, उसमें कोई शक नहीं है कि राहुल जी निर्विरोध चुन के आएंगे। निर्विरोध कोई ना कोई तो खड़ा होगा, लेकिन लगता भारी मतों फिर भी फर्क नहीं, कोई भी खड़ा रहेगा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। भारी मतों से विजय होंगे राहुल जी, एक नया उत्साह है सभी मतदार संघ में कि भारी मत से जो है विजयी होंगे। ओवर टू स्टूडियो।